साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 हाल ही में रिलीज हुई। ये फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और तब से ही बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हुए है। फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। एक तरफ जहां प्रशांत नील द्वारा निर्देशित फिल्म केजीएफ 2 के कलाकार इस फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खबर सामने आई है कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को केजीएफ चैप्टर 3 के लिए कास्ट कर लिया गया है। वेल, आइए जानते हैं पूरी खबर। केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स को देखने के बाद ही इस बात पे मोहर लग गई थी कि केजीएफ का तीसरा पार्ट भी आएगा। हालांकि फिर भी कुछ लोगों में इसे लेकर शक बना हुआ था। ऐसे में हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने ऐलान कर दिया कि केजीएफ का तीसरा पार्ट आएगा। इस खबर के आउट होते ही रॉकी भाई उर्फ यश के फैंस के बीच एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस खबर पर फिल्म निर्माता कंपनी होम बेल फिल्म्स के को फाउंडर विजय किरिंगदुर ने इस बात पर खुलकर बातचीत की कि क्या ऋतिक रोशन केजीएफ 3 का हिस्सा होंगे या नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने कहा कि हमने अभी तक स्टार कास्ट पे फैसला नहीं किया कि इसके अलावा किसे लिया जाएगा। केजीएफ 3 इस साल नहीं बन रही, हमारे कुछ प्लान्स हैं, लेकिन प्रशांत नील इस समय सालार में बिजी है, जबकि यश जल्द ही अपनी नई फिल्म को अनाउंस करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सही समय पे एक साथ आए जब वो केजीएफ 3 पे काम शुरू करने के लिए फ्री हो। अभी तक हमारे पास कोई फिक्स डेट या टाइम नहीं है कि तीसरे पार्ट पे काम कब शुरू होगा। आपको बता दें कि यश की फिल्म केजीएफ 2 ने 1227 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। इस हिसाब से केजीएफ 2 दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी इंडियन फिल्म है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 430 करोड़ 95 लाख का बिजनेस किया था। वहीं फैंस फिल्म केजीएफ 3 को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन अभी उन्हें कुछ साल और इंतजार करना होगा। इस बीच सभी इस बात को जानने के लिए भी उत्साहित है कि यश की अगली फिल्म कौन सी होगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।